एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ गुजरात रीजन है नेबरहुड में बिटवीन 2.1 एंड 4.5 किलोमीटर एसएल एंड दूसरा एक ईस्ट वेस्ट शियर जोन है अलोंग लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ ये जो दो फेवरेबल सिनॉप्टिक सिचुएशन है इसके लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले पाँच दिनों में पूरा गुजरात रीजन है सौराष्ट्र कच्छ में वाइड स्प्रेड रेनफॉल एंड हैवी टू वेरी रेनफॉल का वार्निंग डे वन डे टू डे थ्री डे फोर बहुत गुजरात रीजन है सौराष्ट्र कच्छ में है और एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल डे फाइव में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल बहुत गुजरात रीजन है सौराष्ट्र कच्छ में आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है फिशरमैन वार्निंग है डे वन डे टू के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट स्क्वाली वेदर एंड हाई विंड स्पीड ऑफ 45 to 55 किलोमीटर तक जा सकते और एक जो इम्पोर्टेंट बात है एक नॉर्थ ईस्ट बंगाल के खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा कल तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका जो मूवमेंट होगा ये मोर मार्क्ड भी हो जाएगा इंटेंसिफिकेशन भी हो जाएगा बनने के बाद एंड इसका जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ मूवमेंट होगा एंड इससे हमारा स्टेट में भी रेनफॉल बढ़ेगा एंड अभी तक जो है पूरा सीजन का 83% रेनफॉल हो गया है सो दिस इज नो वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वी हैव बीन कंटिन्यूसली रिसीविंग और जो गुजरात रीजन में जितना डेफिसिट था सब डेफिसिट तो भरपाई का तो हो ही रहा है ओनली आई थिंक 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें थोड़ा सा डेफिसिट है वो भी वाइप आउट हो जाएगा एंड खास करके सूरत और एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी आपको एक्सेस हो गया डेफिसिट को वाइप आउट करके एक्सेस भी हो गया तो दिस इज द इंटरेस्टिंग सर अहमदाबाद में कैसे अहमदाबाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे फ्यू स्पेल्स ऑफ लाइट टुमारो